उत्तर प्रदेश में अगले कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे जाट और मुस्लिम वोटर बहुतायत संख्या में है, वहां पर अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, तो अब मायावती ने उनके इस सियासी दाव को फेल करने के लिए नई चाल चल दी है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम समीकरण का मजबूत दांव चला है। अब अखिलेश के इस जातीय कॉम्बिनेशन को फेल करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम दलित समीकरण पर मायावती काम कर रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट मतदाताओं की संख्या बहुतायत है। ऐसे में सपा बसपा दोनों अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ में एक मीटिंग ली, जिसमें पार्टी के ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। मायावती ने इस बैठक में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 86 विधानसभा सीटों में मुस्लिम और जाट समुदाय को जोड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर बसपा जाट मुस्लिम दलित समीकरण बनाकर चुनावी रण जीतना चाहती है। मायावती ने पार्टी के जाट और मुस्लिम नेताओं से जमीनी स्तर पर काम करने तथा समाज की छोटी छोटी बैठकें करते रहने का मंत्र दिया है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक।